हेलो गाइस, मेरा नाम आसान सिद्दीकी है। मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम हसन ऊद के कुछ नए परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं, और ये परफ्यूम जो है काफ़ी टाइम से डिले हो रहे थे क्योंकि इन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस से काम कर रहा था, बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हम लॉन्च करने वाले हैं 6 नए परफ्यूम, और ये जो परफ्यूम्स हैं ये दो साइज़ में आते हैं, एक 100 ml का साइज़ इनका और एक है इनका 30 ml का साइज़। तो 100 ml की जो प्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से दिखती है। और 30 ml की जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो सबसे पहले हम तो बिना वक्त ज़ाया करें हम सबसे पहले अपने परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, और इसका नाम है मिस्टिक सैंडल। अब मिस्टिक सैंडल जो है ये एक सैंडलवुड बेस्ड फ्रेगरेंस है, लेकिन इसके अंदर आपको स्पाइसेस जैस्मिन का एक नोट मिल जाएगा, एक आपको रोज़ का नोट मिल जाएगा, और इसमें एक ऊद का नोट है। तो ये एक क्रीमी वुडी स्पाइसी फ्लोरल फ्रेगरेंस है, लेकिन फ्लोरल एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इसमें आपको एक क्रीमी वुडी हल्का सा स्पाइसी सा नोट आएगा। प्राइसेस यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, इसको जस्ट परफ्यूम टू परफ्यूम बात कर रहे हैं। प्राइसेस जो है मैं लास्ट में बात कर लूँगा। तो ये था हमारा मिस्टिक सैंडल। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, वरना बहुत लंबी एक वीडियो की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बस एक छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, बाकी हम जो है एक एक करके इनके बारे में और फ्यूचर में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा परफ्यूम है इसका नाम है ऊद एलिगेंस। अब ये ऊद एलिगेंस इसलिए है क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, और इस वक्त एकदम बहुत ही हैवी वाला ऊद नहीं यूज़ किया जा सकता। ये एक सटल ऊद रोज़ का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो नोट मिलेंगे वो है ऊद रोज, हल्का एक स्वीटनेस है, और एक इसमें स्पाइसी एलिमेंट है, और उसके साथ जो प्रोमिनेंट नोट इसमें स्पाइस का मिलेगा वो है क्लोव का। इतना स्ट्रॉन्ग है, मैंने भी मारा पूरा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन। इसको जब आप स्मेल करोगे ऐसा प्रोमिनेंट एकदम ऊद आपको नहीं मिलेगा, इसमें ऐसा लगता है वेलवेटी मस्की सा एक वुडी एलिमेंट है, साथ में एक फ्लोरल टच है जो कि रोज़ का है। काफ़ी यूनिक और सटल इसकी स्मेल है। तो ये था हमारा ऊद एलिगेंस। तीसरे हम फ्रेगरेंस की बात करने वाले हैं, और इसका नाम है सिट्रस ब्लिस। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक सिट्रस बेस्ड फ्रेगरेंस है। इसमें जो आपको नोट मिलेंगे वो है मैंड्रिन, पाइनएप्पल, बर्गमोट, एप्पल, पचुली, जैस्मिन, मस्क। तो ये पूरा प्रॉपर एक सिट्रसी फ्रेगरेंस है समर में यूज़ करने के लिए। इसको जैसे आप स्मेल करोगे सबसे ज़्यादा जो मेन प्रोमिनेंट नोट है वो मैंड्रिन का है, और एक ऑरेंज लाइम का भी एक नोट आता है ऐसा लगता है, और साथ में पाइनएप्पल भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये तो एक जूसी सिट्रसी मस्की टाइप का फ्रेगरेंस है। ये था हमारा तीसरा फ्रेगरेंस। चौथे फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे, और इसका नाम है ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ ये भी एक सिट्रसी फ्रेश फ्रेगरेंस है। इसके जो नोट्स हैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेश है। ग्रीन लीफ की स्मेल जो है ऐसा लगता है जैसे सिट्रस बेस, खास करके जैसे लेमन हो गया, उसकी जो लीफ होती है उसको अगर आप स्मेल करोगे रब करके वो एग्जैक्टली इसी की तरह स्मेल करता है। इसका ओपनिंग, मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको बर्गमॉट मिल जाएगा, ग्रेपफ्रूट, लेमन, सेडरवुड, एम्बर एंड मस्क। तो ये एक प्रॉपर ग्रीन सिट्रसी मस्की टाइप का फ्रेगरेंस है। क्रेजी। तो ये था हमारा ग्रीन लीफ। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हफ्ते परफ्यूम की, और इसका नाम है सी ब्रीज। तो अक्सर आपने देखा होगा सी ब्रीज, एक्वा, जो इस तरह के नाम होते हैं वो परफ्यूम काफ़ी सिमिलर होते हैं। मोस्टली आपको पता है वही ओजोनिक का वाइब होता है, हल्का सा सॉल्टी किसी में स्मेल आ जाएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर। ये जो सी ब्रीज है ये काफ़ी यूनिक है। इसके जो नोट्स हैं वो है लाइम, मिंट, लैवेंडर, फ्लोरल एलिमेंट, मस्क। तो इसमें जो ओजोनिक वाइब है वो तो है ही है साथ में, लेकिन इसके साथ इसमें जो फ्रूटी और हल्का सा फ्लोरल टच है वो इसको काफ़ी यूनिक बनाता है। इसके अंदर जो मिंट का नोट है वो काफ़ी यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा एक रिफ्रेशिंग फील देता है, इसलिए इसका नाम सी ब्रीज भी है, और इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एक परफ्यूम की जिसका नाम है सी साइड फॉरेस्ट। और इस परफ्यूम के जो मेन नोट्स हैं वो है वेटिवर, टोबैको, बर्गमॉट, सैंडलवुड, मस्क, सीडरवुड। तो ये एक आप समझिए फ्रेश वुडी फॉरेस्ट टाइप का एक आपको वाइब देगा, हल्का सा इसके अंदर एक
मिट्टी वाला भी वाइब देता है, मिट्टी नहीं मैं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा वेटिवर रूट का जो एक स्मेल होता है, जो ड्राई वेटिवर रूट होती है उसकी स्मेल है, साथ में हल्का सा टोबैको का पंच है। और इसके शुरुआत में आपको एक सिट्रस का नोट मिलता है जो कि बर्गमॉट का है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक परफ्यूम बनाता है। अब ये जितने सारे परफ्यूम्स हैं इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, समर में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रुकते हैं, आराम से आपकी स्किन पर 10 से 12 घंटों रखेंगे, और कपड़ों पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा लास्ट करते हैं। क्वालिटी जो है आपको पता है हसनऊद की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इन सारे परफ्यूम्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और अब बात करते हैं इनकी प्राइसेस की, तो 100 ml जो है हमने इसको लॉन्च किया है 4999 पे, और जो इसका 30 ml है वो है 1999 पे। तो ये इनकी MRP है अभी, क्योंकि ये नया लॉन्च है तो इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। आप कूपन कोड न्यू लॉन्च करके यूज़ करिए, आपको 10% का ऑफ मिलेगा, एंड अगर आप प्रीपेड पेमेंट करेंगे तो आपको 10% का और ऑफ मिल जाएगा। तो आप इनको अभी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इनको ट्राई करिए, इनके बारे में आप हमें बताइए कि ये परफ्यूम्स कैसे लगे आपको, और बाकी जो है मैं इनके बारे में डिटेल में एक एक करके अच्छे से बात करूंगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।